हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 19th फेब से लेके 25th फरवरी 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूँ, मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके सेंडस के बेस पर हैं, आपके मून साइन या आपके सन साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने लगन राशि यानी असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन related to upcoming week and you can make your life easy and better through worship, chanting and remedies. अब बात करते हैं करक लगन यानी कि कैंसर असेंडेंस की। 19th फरवरी से 25th फरवरी 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे स्पाउस के साथ प्रॉब्लम होगी, मंडे ट्यूसडे फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू कोई रिश्ता आप खराब कर सकते हैं या समथिंग इज देयर विच विल मेक यू क्रेजी। आप थोड़ा सा यहाँ पर बुखलाए रहेंगे मंडे ट्यूसडे को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना अच्छी होंगी और हार्ड वर्क और एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ये टाइम आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, कैंसर हम्बल होकर चलना है, डाउन टू अर्थ होकर चलना है। स्पाउस के साथ बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, अदरवाइज सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाएगी। यू आर नॉट इन ए कम्फर्ट जोन इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर पर्सनल लाइफ ऑन मंडे ट्यूसडे। स्पाउस की हेल्थ और स्पाउस के साथ रिश्ते आपके खराब होने वाले हैं और आप इसको संभाल सकते हैं अपनी वे ऑफ टॉकिंग से, अपनी सूझबूझ से आप सिचुएशन को अपने हैंडल में कर सकते हैं, अपने फेवर में कर सकते हैं। वेनेसडे थर्सडे हमें फिर से आपको गुड गेन्स मिलेंगे। वेनेसडे थर्सडे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी रहेंगी, कि सम स्मॉल प्रॉफिट्स विल मेक यू हैप्पी, बट पारिवारिक माहौल यहाँ पर आपका खराब रहेगा। इन लॉस के साथ या स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होने की वजह से मन उतावला बेचैन रहेगा। सडन फाइनेंशियल गेंस भी वेनेसडे थर्सडे को मिलते हैं लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होंगे, बट ओवरऑल ए टाइम वेनेसडे थर्सडे स्पेशली फार फार बेटर कंपेयर टू मंडे ट्यूसडे। कोई नई डील, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, किसी किस्म के फड्डे में टांग नहीं उड़ानी, लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना, थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल दिस होल टाइम, क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम और हर्डल्स, यू नीड टू बी केयरफुल कैंसर। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी, करना कुछ चाहते हैं कर कुछ रहे हैं, दिमागी तौर पर थोड़ा उथल पुथल रहेगी, एफर्ट्स हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट उसके मुताबिक आपको पर्सनल लाइफ के बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। फ्राइडे सैटरडे को आप शॉर्ट जर्नी या लॉन्ग जर्नी प्लान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी ये जर्नी, बट ओवरऑल फाइनेंस को लेके थोड़ा सा आपको क्रंच देखने को मिलेगा। कैश फ्लो वैसा ना होगा आपके बिजनेस प्रोफेशन में जो आप एक्सपेक्टेड थे, या आपको उस तरह का धन लाभ नहीं होगा जो आप एक्सपेक्टेड थे, बट ओवरऑल ये सारा वीक आपके लिए कुछ स्ट्रगल चैलेंज लेकर आ रहा है। कैंसर सेंडर्स आपको बहुत बखूबी इस चीज़ को हैंडल करना है, टैक्टफुली सूझबूझ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस बना के चलना है। देखिए दुनिया, आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन आप अपने स्पाउस से या अपने क्लोज वन से या अपनी फैमिली से नहीं लड़ सकते। तो किसी भी लड़ाई में आप आग में घी या तेल डालने का काम ना करें। कोई लड़ाई हो रही है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, आग लग रही है रिश्तों में, तो उसमें पानी डालेंगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। कभी कभी हमें सिचुएशन के हिसाब से ढलना पड़ता है। कैंसर आपको इस वीक में ढलने की ज़रूरत है। अगर आपका स्पाउस या आपके कोई क्लोज वन आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो ट्राई टू कीप माउथ योर मम, अपने मुंह को चुप रखें, फालतू के अल्फाजों को इस्तेमाल बिल्कुल ना करें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अदरवाइज ये टाइम आपके लिए कुछ क्रूशल रहेगा। मैं बार बार अलर्ट कर रहा हूँ, 108 नाम भगवान शिव के हर रोज़ सुबह 3 बार 5 बार 7 बार उच्चारण करें। हर रोज़ रात को सोने से पहले भी 108 नाम भगवान शिव के 3 बार 5 बार 7 बार उच्चारण करें, शिव चालीसा का उच्चारण करें और अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, अपने पिता के अंडर रह के सारा काम करें। अगर पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है देन यू मस्ट शेयर विद योर एल्डर्स एट योर होम, अपने फादर से अपने मदर से शेयर करें क्योंकि वहाँ से आपको समाधान मिलेगा। इन लॉस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, स्पाउस और फोकस देके चलना है, स्पाउस के साथ बेकदरी से बात बिल्कुल नहीं करनी। अब बात करते हैं लियो सेंडस की यानी कि सिंह लगन की। 19th फरवरी से लेके 25th फरवरी
2024 तक की ये प्रेडिक्शन है। देखिए मंडे ट्यूसडे आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, दिमागी दौड़ धूप बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, प्रोफेशनल ग्रोथ बिल्कुल ना होगी, टेंशन परेशानी रहेगी, हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स आउटकम ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे जिस वजह से डिसहार्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट्स बहुत बड़ी कर रखी हैं लेकिन रिजल्ट अच्छे ना आने की वजह से मन उतावला बेचैन और परेशान रहेगा, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ मंडे ट्यूसडे को लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट आपने साइन नहीं करना मंडे ट्यूसडे को, कोई नई डील में इन्वॉल्व नहीं होना, प्रॉपर्टी सेल परचेज में बिल्कुल मंडे ट्यूसडे को नहीं जाना, बहुत केयरफुल होकर चलना है, गोल्ड सिल्वर बिल्कुल बाय नहीं करना मंडे ट्यूसडे को। वेनसडे थर्सडे आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी आएगी, प्रोफेशनली ग्रोथ देखने को मिलेगी, अचानक से रुके हुए काम बनते जाएंगे, रुका हुआ धन लाभ आपको हो सकता है, किसी को आपने पैसा दे रखा था वेनसडे थर्सडे को आपको वापस मिलेगा, कैश फ्लो विल इंक्रीज लिटिल बिट ऑन वेनसडे थर्सडे, बट ओवरऑल दिमाग में उथल पुथल और टेंशन ये साथ में बनी हुई है। मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे पहले चार दिन इस सप्ताह के मानसिक तौर पे आपके लिए उत्पीड़ता लेकर आएंगे या टेंशन या हर्डल्स लेकर आएंगे, काम आप सारे कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आपका वो बिल्कुल ही जीरो है, बट फाइनेंस वेनसडे थर्सडे को कुछ इम्प्रूव होगा लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होगा, घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है, और फ्राइडे सैटरडे को जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको जॉब मिल सकती है, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अच्छा है, कोई नई इंटरव्यू के लिए नई डेट आपको मिल सकती है फ्राइडे सैटरडे को, फ्राइडे सैटरडे को आपको आपके प्रोफेशन से बिजनेस से इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा लाभ होगा, बट ओवरऑल लियो ये वीक आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा, बहुत ही टैक्टफुली आपने चलना है, सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, सेकंड नंबर पे स्पाउस के साथ लड़ना नहीं है, थर्ड नंबर पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ नहीं लड़ना, इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले सोचना है, जल्दबाजी में आकर कोई गलत डिसीजन इस वीक में नहीं लेना, अदरवाइज चीजें आपके अगेंस्ट होंगी, कोई नया कर्ज लेने जा रहे हैं तो पहले चार दिन आपने नहीं लेना, फ्राइडे सैटरडे को ले लें आप पे ऑफ करेंगे, लेकिन अगर पहले चार दिनों में कोई कर्ज ले लेंगे तो प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज की, 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम कनक और एक तांबे का सिक्का, सुराख किया हुआ ना हो, तांबे का सिक्का, इनको मिक्स करें एक ही लिफाफे में, लिफाफे से बाहर निकाल के संडे वाले दिन जल प्रवाह करें, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, अपने पिता का उतरा हुआ गहना कोई गोल्ड की चैन हो या रिंग हो, रिंग है तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डालें, गोल्ड की चैन है तो गले में डालें, ब्लेसिंग्स लेते रहें उनसे, अपने पिता के साथ अच्छे ताल्लुकात में रहें, अगर आप अपने पिता की ब्लेसिंग्स में रहेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ लियो बेहतर हो जाएगी इस वीक में, बट ओवरऑल चैलेंज तो हैसल्स और चैलेंज का सामना और डिलेज का सामना पहले चार दिन आपको इस सप्ताह में करना पड़ेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हर रोज सुबह आपने जरूर करना है, 3 बार 5 बार 7 बार सूर्य देव को नमस्कार जरूर करना है और अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेके ही डे स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की यानी कि कन्या लगन की। देखिए कन्या लगन आपके लिए ये जो प्रेडिक्शन है स्टार्ट हो रही है 19 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2024 तक। वर्गो सैंडस जो मंडे ट्यूसडे आपके लिए हार्ड टाइम लेकर आ रहा है, आपके बॉस के साथ आपके एम्प्लॉयर के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे, मन उतावला बेचैन रहेगा, स्पाउस की हेल्थ या आपकी खुद की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, खर्चा पीक पे रहेगा, हेल्थ इश्यूज आपके राइज होंगे, यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको टेंशन का सामना फेस करना पड़ेगा प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में जो परेशानी है आपकी आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, प्रोफेशनली आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पर जिस वजह से सीनियर के साथ तू तू मैं हो सकती है, जॉब तक जाने का खतरा ये मंडराता रहेगा। कभी कभी वर्गों किसी का विश्वास जीतने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और एक बार अगर विश्वास बन जाए वर्गों तो फिर सारी ज़िंदगी इंसान बैठकर खाता है। अगर इस चीज़ को दिमाग में रख के चलेंगे, किसी का विश्वास नहीं तोड़ेंगे और हार्डवर्क की ओर फोकस करेंगे तो चीज़ें बेहतर हैं, नहीं तो मंडे ट्यूसडे को आपका आपके स्पाउस के साथ थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं दोनों के बीच में, या आपके सीनियर्स के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं वेनसडे थर्सडे की। देखें यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल गेंस आपको मिलेंगे लेकिन आपकी इच्छा के मुताबिक ना होंगे, गुप्त धन आपको मिल सकता है यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इच्छा के मुताबिक ना होगा। या वेनसडे थर्सडे को आपके रिसोर्सेज डेवलप होंगे, इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो रिटर्न आपकी इच्छा के मुताबिक ना होगा जिस वजह से आप थोड़ा सा डिसहार्टेड रहेंगे, खर्चा बड़ा पीक पे हो रहा है वेनसडे थर्सडे को, फॉरन ट्रैवल अभी बिल्कुल प्लान ना करें, अवॉइड करें फॉरन जर्नीज को आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल वेनसडे थर्सडे केयरफुल होकर चलें, बातचीत करने के रवैये में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होकर चलेंगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को अगेन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स राइज होंगी,
मन बहुत ज़्यादा उतावला, बेचैन और परेशान रहेगा। हार्ड वर्क एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेंगे। अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलें, ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। आपकी हेल्थ को लेके सारा वीक मंडे ट्यूसडे फिर फ्राइडे सैटरडे अगेन से प्रॉब्लम्स आपको घेरेंगी। खर्चा फ्राइडे सैटरडे को भी स्काई हाई रहेगा। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अपने टैक्सेस, अपने रेंट, अपने लेन देन, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, कि आपने इंडिविजुअली किसी से फाइनेंस ले रखा है तो उसको टाइम पे चुकता कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हो सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। अगर आपके पास कैश है तो ट्राई टू क्लियर योर ओल्ड डेब्ट्स, इट विल बी गुड फॉर यू। And be careful about your health and your spouse health in this week. Overall, this is a struggling week for you. Need to be careful and alert while signing any document or any deal. Don't try to switch off your job. Don't try to start any new venture in this week. आपके लिए रेमेडी है, काली माता की उपासना करें हर रोज रात को 3 बार, 5 बार या 7 बार काली चालीसा का उच्चारण करें। रोग ऋण शत्रुओं से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि शनि भी कंबस्त हैं इस वीक में, तो आपके लिए कुछ हर्डल्स का सामना आपको करना पड़ेगा। तो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम पिंक फॉर हैप्पी फ्यूचर एंड थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।